पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी पर भी कोरोना की मार पड़ी है। जी हां, पाकिस्तान का ये पूर्व ऑलराउंडर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस बात की जानकारी खुद पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने ट्विटर के जरिए दी। अफरीदी ने ट्वीट किया कि उनके पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। उन्होंने पिछले दिनों टेस्ट कराया जिसके बाद बदकिस्मती से वो कोरोना पॉजिटिव निकले। अफरीदी ने ट्वीट के जरिए अपने फैन से उनकी सेहत के लिए दुआ करने की अपील की। आपको बता दें कि शाहिद अफरीदी हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के दौरे पर गए थे, इसके बाद ही उनका कोरोना पॉजिटिव निकला। बात करें अफरीदी के क्रिकेटिंग करियर की, तो उन्होंने अपने करियर के दौरान 27 टेस्ट मैचों में 1716 रन बनाए हैं। वहीं वनडे में उन्होंने 398 मैच खेले, जिस दौरान उन्होंने 8064 रन बनाए। उन्होंने 99 T20 मैचों में 1416 रन भी बनाए हैं। वहीं बात करें IPL की, तो अफरीदी ने IPL के सीजनों में सिर्फ 10 मैच खेले, जिस दौरान उन्होंने 81 रन बनाए। अफरीदी से पहले पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर तौफिक उमर भी कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव निकल चुके हैं। उन्होंने खुद को क्वारंटाइन में रखा हुआ है। इसके अलावा बात करें क्रिकेट जगत में, तो स्कॉटलैंड के माजी थक और दक्षिण अफ्रीका के सोलो एंड क्वेनी भी संक्रमित हो चुके हैं। बात करें तौफिक उमर के क्रिकेटिंग करियर की, तो तौफिक ने अपने क्रिकेटिंग करियर में 44 टेस्ट मैचों में 2963 और 12 वनडे में 504 रन बनाए हैं। हाल ही में शाहिद अफरीदी पीओके के मुजफ्फराबाद दौरे पर गए हुए थे। वहां वो भीड़ के बीच बिना मास्क के लोगों से मिलते हुए दिखाई दिए। इस दौरान की उनकी कई फोटो भी वायरल हो रही है। इसी दौरे पर अफरीदी ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। इसके बाद पूर्व भारतीय खिलाड़ी गौतम गंभीर, युवराज सिंह और हरभजन सिंह ने उन्हें फटकार लगाई थी। आपको बता दें कि पाकिस्तान में कोरोना के कारण अब तक 2 पूर्व फर्स्ट क्लास क्रिकेटर की भी मौत हो चुकी है। इसके अलावा दुनिया के 7 दिग्गज खिलाड़ी भी कोरोना के काल में समा चुके हैं। जाहिर है कि अफरीदी के कोरोना संक्रमित होने से उनके चाहने वाले काफी दुखी होंगे, लेकिन सोशल मीडिया में लोग इसे अफरीदी को उनके कुकर्मों की सजा बता रहे हैं।